हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। सीबीएसई के टर्म वन एग्जाम में किसको बोनस मिला है, किसको नहीं मिला है, कितना मिला है, किस सब्जेक्ट में मिला है, किस सब्जेक्ट में नहीं मिला है, ये मैं इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से बोनस दो जगह मिला है, एक तो स्कूलों में जहां पे कॉपी चेक हुई थी और बाद में सीबीएसई वालों ने भी दिया है, ये कैसे हुआ है ये मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। और बढ़िया से समझ जाओगे तो ऑथेंटिक तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि हम इधर उधर की बातें नहीं करते। बाकी हम सीबीएसई के प्राइवेट और कंपार्टमेंट एग्जाम के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जो ये जानना चाह रहे हैं कि सर हमारे प्रैक्टिकल के नंबर कैरी फॉरवर्ड होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे और नहीं होंगे तो क्यों होंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ही ऑथेंटिक होगी, कोई भी इधर उधर की मिर्च मसाले वाली बातें नहीं होंगी। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। देखो, सीबीएसई में बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं और लगातार बच्चे हमसे ऑथेंटिक अपडेट्स लिए जुड़ते रहे हैं, तो बच्चों मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आपको बोनस मार्क्स से रिलेटेड अपडेट दे दूं। बोनस मार्क्स तो हम उसे नहीं कहेंगे, कॉमन मार्क्स या जनरल मार्क्स कहेंगे। और ये इस बार मिला है बच्चों, और अच्छी खासी संख्या में मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम खुद हमें कमेंट करके बताना कि तुम्हारे पेपर में इस बार सीबीएसई ने गलती की थी कि नहीं की थी, किस सब्जेक्ट में की थी, किस में आपको पता चला। वैसे तो बच्चों इतने सारे सब्जेक्ट में इतनी गलती हुई है सीबीएसई से कि आज तक के इतिहास में सीबीएसई ने ऐसी गलती नहीं की थी। लगातार कोई भी सब्जेक्ट शायद ऐसा बचा हो जिसमें क्वेश्चन में गलती ना हुई हो, या तो क्वेश्चन में गलती थी, या तो ऑप्शन में गलती थी, या तो ऑप्शन रिपीटेड थे, और कहीं कहीं तो पैराग्राफ ही ऐसा दे दिए, कहीं कहीं क्वेश्चन ही ऐसा दे दिए कि इनको बाद में उसको डिलीट करना पड़ा। संसद तक में हंगामा हुआ। एक क्वेश्चन गुजरात के दंगे से रिलेटेड आया था सोशियोलॉजी में, उस क्वेश्चन पर सीबीएसई को माफ़ी तक मांगनी पड़ी। भाई मेरे, इतनी गलती लगातार इतने पेपर में हुई है तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, और उस प्रॉब्लम का खामियाजा बच्चे ना भुगते, इसलिए उन क्वेश्चंस को ना सिर्फ हटाया गया, सीबीएसई ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, कहा जिसने भी ये गलती की है उसको हम सजा देंगे। खैर, उनका क्या होगा, उससे आपको लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है कि आपको नंबर मिले कि नहीं मिले। तो बच्चों मैं बताऊं, जिस पे गलती रेक्टिफाई हो गई थी, सीबीएसई ने कहा था जो बातें हमारी समझ में आ जाएंगी कि गलत है, नंबर तुरंत मिलेगा इवेल्युएशन के टाइम पर, और नहीं तो जिसको भी गलती नजर आ रही है, चाहे बच्चे हो, गार्जियंस हो, टीचर्स हो, वो हमें बताएं और उस गलती पर हम एक कमेटी बैठाएंगे। कमेटी बैठाने के बाद उस कमेटी का जो निर्णय होगा उसके आधार पर मार्किंग की जाएगी। आपको भी पता होगा कि संसद तक में हंगामा हुआ, बाद में एक पैराग्राफ ही हटा लिया गया, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे अब उस पर किसको किसको नंबर मिले होंगे आपके हिसाब से। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो गलत थे, हटाए गए और सभी बच्चों को कॉमन मार्क्स देखे गए। हेलो बच्चों, अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 टू 10 आईआईटी जेईई नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स जीतने का। ये एक घंटे का टेस्ट 23 जनवरी और 29 जनवरी को तथा 6 और 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख रुपए तक। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड होगा। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड्स जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी। इससे आपको अपनी रैंक पता चलेगी और साथ ही आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही बच्चों, अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर। 12 मंथ्स या एबब के प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ के या एबब के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मेरा कोड GEA यूज करें फ्री में एनरोल करने के लिए, और साथ में 10% ऑफ भी मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। लेट्स क्रैक। अब अगर इस तरीके से कॉमन मार्क्स आपको मिले हैं तो आपके नंबर कितने बढ़े होंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी सब्जेक्ट शायद ऐसा रहा हो जिसमें, अब चूंकि भाई देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे यार, कहीं कहीं रिपीट हो गए, तो बच्चे ये जानना चाह रहे कि सर हमको मिले होंगे कि नहीं। तो जो क्वेश्चंस गलत थे उन पर सबको कॉमन मार्क्स मिले हैं, अब तुम उन्हें बोनस मार्क्स कह लो या कोई भी मार्क्स कह लो, मिले सबको हैं बच्चों। जो क्वेश्चन हटाए गए उस पर भी सबको मिले। अब
कुछ बच्चे करें सर हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो बच्चों तुमने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, ये तो तुम्हारी गलती है, जब वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो तुम्हें अटेम्प्ट करके तो आना चाहिए था, तुम बताना तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था या नहीं, तुम किस तुमने क्या लगाया, ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया, डी लगाया, कोई मतलब नहीं है, तुमने कुछ ना कुछ लगाया, अगर लगाया तो मिले होंगे, कॉमन सी बात है। जो क्वेश्चन उसी दिन पता चल गए थे कि गलत है उस पर तो सीबीएसई ने नई आंसर की भेज दी थी, उस हिसाब से इवैल्यूएशन हो गया था। जिन क्वेश्चंस पे विवाद था, जो क्वेश्चंस थोड़े से मिस्टेक वाले थे, बाद में चेक हुआ और बाद में उन क्वेश्चंस पर सीबीएसई ने सबको मार्क्स दिए हैं, रिजल्ट आएगा देख लेना, नहीं मिला होगा तो मेरे चैनल का तुम नाम बदलवा देना, इतनी गारंटी के साथ मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ तुमसे। बाकी रही बात प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो बच्चों बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है सीबीएसई का प्राइवेट और रेगुलर बच्चों के लिए। पहले तो एक ही नियम होता था कि जिसको देना हो प्राइवेट बच्चे हों या कंपार्टमेंट के हों फिर से प्रैक्टिकल दे ले, वो नियम सही था यार, जो बच्चे नहीं देते थे उनके पुराने मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे। पिछले दो सालों से पता नहीं सीबीएसई को क्या सूझी, इन्होंने प्रैक्टिकल मार्क्स लगा दिए, अब प्रैक्टिकल लगा दिए, अब बच्चे इस बार इसलिए कंफ्यूज हैं, 2020 में एग्जाम जिन्होंने दिया उनको तीन कंपार्टमेंट देने का मौका ही नहीं मिल पाया। पहला कंपार्टमेंट अगस्त में हुआ, दूसरा कंपार्टमेंट बोर्ड का एग्जाम होना था, तो बोर्ड का एग्जाम हो गया होता तो दूसरा हो जाता उस टाइम, और तीसरा जून जुलाई अगस्त में हो जाता, तो जून जुलाई अगस्त क्या सितंबर में इनका दूसरा कंपार्टमेंट हुआ, तीसरा कंपार्टमेंट अब इनका हो रहा है, सीबीएसई को मौका देना पड़ा इसी वजह से, नहीं तो इन बच्चों को इस साल दो साल के बाद कहां मौका मिलता है, इसी वजह से थर्ड कंपार्टमेंट का मौका देना पड़ा। लोग कह रहे थे इनको मौका ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमने कहा मिलेगा मिलेगा, सीना ठोक के कहा था, मिला और आप लोग देख लो। तो तुम्हें अगर थर्ड कंपार्टमेंट का मौका मिला है तो बच्चों तुम्हारे मार्क्स भी कैरी फॉरवर्ड होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब मैं ये नहीं कहता भाई सीबीएसई बाद में क्या कर दे, इसका तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन नियमतः तुम्हें मिलना चाहिए और मिलेगा। अगर तुम 2020 में तुम रेगुलर स्टूडेंट थे तो तुम्हें थर्ड कंपार्टमेंट में निश्चित रूप से तुम्हारे मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, और अगर ऐसा नहीं है, इसके अलावा कोई कंडीशन बन रही है, तो तुम्हारे मार्क्स प्रो रेटा बेस के आधार पर मिलेंगे, जितना परसेंट थ्योरी में पाए हो उतना परसेंट प्रैक्टिकल में पाओगे, दोनों नंबर को अलग अलग ना लिख करके एक ही जगह पे लिख देंगे, प्रैक्टिकल वाले कॉलम में एक्स 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 बना करके सीबीएसई दे देगी। इसका क्या लॉजिक है आज तक समझ में नहीं आया, ना सीबीएसई ने बताया, पूछो तो भी नहीं बताते हैं। एक और बात बच्चों, आप में से ही तमाम बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल जिनका कंपार्टमेंट आया स्कूल वालों ने अपने ही रिजल्ट बनाया, खुद ही फेल कर दिया, उन बच्चों का तो कैरी फॉरवर्ड ही होगा, उनको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे बच्चे जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे हैं उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे प्रैक्टिकल के, नो टेंशन नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम लोगों से प्रैक्टिकल की फीस ली गई है तो प्रैक्टिकल करवाई जाएगी क्या? भैया सीबीएसई जब रेगुलर वालों का प्रैक्टिकल नहीं करवा रही है तो तुम्हारा क्या करवाएगी? वैसे कोरोना चल रहा है, खैर इनका हुआ है टर्मोन में, इन लोगों का प्रैक्टिकल हो करके मार्क्स गए हैं, तो तुम लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रोरेटा बेस या कैरी फॉरवर्ड, इन्हीं दो में से किसी तरीके से नंबर तुम्हें मिलेंगे। अब बताना वीडियो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेटिव रही कि नहीं रही, कहां से वीडियो देख रहे हो और तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, कर लो। और बच्चों एक और गुड न्यूज मैं देने वाला हूं, दो दिन के अंदर आपको सुनाऊंगा। जितने भी बच्चे हैं हमारे वो हमसे जुड़े रहें, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।